गया। माँ गांव में रह रही है, सब कुछ बेच करके झाड़ू पोछा करती और एक सपना देखती कि मेरा बेटा जिस दिन डॉक्टर बन जाएगा, ये बुरे दिन मेरे खत्म हो जाएंगे हमेशा को। एक दिन डॉक्टर बन गया, बेटे ने माँ की सुध ना ली, शहर की हवा लग गई। एक दिन बहुत बीमार पड़ी, गांव के लोगों ने कहा कि माँ तेरा बेटा डॉक्टर है, जाकर इलाज करा। उसने कहा मेरा बेटा शहर में कहां रहता है, एड्रेस मुझे नहीं मालूम। एक माँ को बेटे का पता नहीं। गांव के लोगों ने कहा बहुत बड़ा डॉक्टर है, किसी को भी पूछेगी हर कोई पहुंचा देगा। अच्छा, मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं है। सोचो, जिस बेटे के लिए बेटियों की हत्या करती हो, उस माँ के पास शहर जाने का पैसा नहीं है और बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। मान्यवर, इसे कहानी मत समझना, ये घटना कभी भी तुम्हारे घर में घट सकती है, ध्यान रखिए। गांव के लोगों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया, ले मां तू शहर चले जा। जैसे ही शहर पहुंची, रेलवे स्टेशन पर उतरी, प्लेटफार्म से बाहर गई, ऑटो रिक्शे वाले को बोली इस डॉक्टर को जानते हो? अरे, रिक्शे वाले ने कहा बूढ़ी अम्मा कौन नहीं जानता उसको, इस शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है। बहुत बड़ा डॉक्टर? छाती फूल गई उस माँ की, मुझे वहां तक पहुंचा दो। बोले चलो, बिठाया रिक्शे पर ले गया। माँ ने अपनी पोटली में से पुराना नोट निकाला, रिक्शे वाले ने कहा नहीं कोई बात नहीं माँ जी, नहीं चाहिए मुझे पैसा, तू रख, एक दिन पुण्य का काम मुझे भी करने दे। माँ ने बहुत समझाया, ले ले बेटा पैसा, मेरे पास क्या कमी है, मुझे मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर, इतनी बड़ी कोठी। आंखें फटी की फटी रह गई उस माँ की। रिक्शे वाला चला गया प्रणाम करके, बेल बजाई, बेटा ने दरवाजा खोला, उसने कहा मां तू ये फटे पुराने कपड़ों में? बोले तू मेरा बेटा? देख मां कितनी बड़ी कोठी बना ली मैंने, कितना बड़ा अस्पताल है मेरा। मां के आंचल से दूध छलक आया, उसने कहा बेटा आज ये मां धन्य हो गई, तूने मेरी मेहनत सार्थक और सफल कर दी। आज मैं सब भूल गई कि मैंने एक दूसरों के कपड़े धोए हैं, झाड़ू पोछा किया है, इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। भीतर से एक डॉक्टर और निकली, मां ने पूछा ये कौन है? बोले मां ये तेरी बहू है, शादी भी हो गई। बोले कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, हम तुझे खबर नहीं दे पाए। माने का कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह, ये मां का दुआएं तुझे है। कैसे आई मां? 3 महीने से बीमार हूं बेटा, कोई इलाज नहीं हो रहा मेरा, गांव में अकेली पड़ी हूं, गांव वालों ने मुझे तेरे पास भेजा है। बेटा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरा इलाज करूंगा। अस्पताल में एडमिट कराया, 7 दिन तक इलाज हुआ, 8वें दिन मां सही हो गई। बेटे ने कहा मां देख मैंने तुझे सही कर दिया। बेटे के सिर पर हाथ रखा, मेरे बच्चे बस यही दिन मैं देखना चाहती थी। बेटे ने कहा मां तब तू पूरी तरह स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है तुझे, अभी काम कर, तू गांव वापस चली जा। मां ने देखा कि गांव वापस चली जा। बेटे ने कहा मां देख ये शहर का मामला है, तू बूढ़ी हो गई है, हमारे पास कहां टाइम रखा है, तेरी बहू भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, यहां कहां रहेगी, गांव में तेरा मन लगेगा, जा मां तू गांव वापस चली जा, और जब बीमार हो जाए तो फिर मेरे पास चले आना, मैं तेरा इलाज कर दूंगा।
माँ की जुबान बंद हो गई, सोच रही थी बेटे के साथ जीवन गुजरेगा। बेटा कहता है माँ तू आज अपने गांव चली जा। माँ की आंखें फटी की फटी। माँ ने कहा ठीक है बेटा तू खुश रह। जाने लगी गांव में। बेटे ने कहा कि ठहरो माँ एक काम तो करते जाओ। बोले क्या है? अपने जेब के कोट की जेब में हाथ डाला। माँ सोच रही थी कुछ पैसा देगा। एक कागज का टुकड़ा निकाला और कहा माँ 7 दिन तू अस्पताल में रही उसका बिल चाहिए मुझे, और तुझे जो मैंने दवाई खिलाई उस दवाई का ये पर्चा है, डॉक्टर की फीस है, तुझे दूध पिलाया उसका ये कर्जा है। माँ जाने से पहले ये बिल चुका के जाना। माँ एक हाथ में कागज का टुकड़ा देखती है और सामने खड़ा दिल का टुकड़ा देखती है। माँ सोचती है कि गांव वालों ये दिन दिखाने से पहले मुझे वहीं तड़प करके मर जाने देते। धरती तू फट जा तो मेरी अपनी जिंदगी को समाप्त कर लो। वह देखती है क्या इस कलयुग में ऐसा भी हो सकता है कि अपना बेटा ही अपनी दवाई का बिल हमसे मांग सकता है, ऐसा घोर कलयुग। ये बेटा कह रहा है दवाई का बिल चुका, ये बेटा कह रहा है दूध का बिल चुका। आंखें पत्थर आ गई उसकी, शब्द मौन है, कंठ रुंध गए उस मां के। उस मां ने थोड़ी देर अपने आप को संभाला, सीने में बहुत दर्द पैदा हुआ, जो दर्द शायद इसे जन्म देने में भी महसूस ना हुआ होगा। अपनी ही औलाद जब उपेक्षा कर दे, झर झर आंसू उस मां की आंखों से। उस मां ने छाती में ढांढस बांधते हुए कहा बेटा जो माँ तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना सकती है, इस माँ में इतनी ताकत है कि तेरा बिल भी चुका सकती है। ध्यान रख, एक बात याद रख बेटा, कुछ दिन की मोहलत दे दे, मेहनत मजदूरी करके मैं तुझे वचन देती हूं कि जब तक तेरा बिल ना चुका दूंगी इस तन से सांस नहीं छोड़ूंगी। ध्यान रख, मैं तेरी माँ हूं और तूने बिल मांगा है तो जरूर बिल चुकाऊंगी। बाहरे नपुंसक औलाद अपने माँ बाप से दवाइयों का बिल मांगते हो, शर्म आना चाहिए तुमको। अपनी माँ से कहते हो कि हमने दूध पिलाया उसका बिल दे दे, हमने फल फ्रूट्स खिलाए उसका बिल दे दे। धन्य थी वो देवी माँ। अरे माँ यदि अपने बेटे से कह देती कि बेटा तूने तो 7 दिन अस्पताल में रखा, मैंने 9 महीने कोख में रखा, उस बात का मुझे बिल चाहिए। है किसी औलाद के पास इतनी दौलत, तूने मुझे 1 गिलास गाय का दूध पिलाया लेकिन मैंने तुझे आंचल का दूध पिलाया उसका बिल चाहिए। मैंने तेरे गंदे कपड़े साफ किए उस बात का मुझे बिल चाहिए। और माँ यदि कह देती कि मैंने तेरे लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान की है, मुझे उन रातों का बिल चाहिए। बोलिए मैंने तेरे लिए कितने दिन भूखी रहकर गुजारे हैं, उस एक एक रोटी का मुझे बिल चाहिए। तो हिंदुस्तान के नौजवानों मैं आपसे कहता हूं कितनी भी दौलत कमा लेना, बाजार में गाय का दूध मिलेगा भैंस का दूध मिलेगा लेकिन बाजार में माँ का दूध नहीं बिका करता है। ध्यान रखिए कितनी भी दौलत कमा लीजिए, अरे किसी के खजाने में इतनी दौलत नहीं कि माँ के दूध का कर्ज उतार सके। एक बात ध्यान रखना, पूरे हिंदुस्तान को भी गिरवी रख दिया जाए तो भी माँ के दूध का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। माँ तो माँ होती है मान्यवर, माँ तो वो होती है कि 7 जन्म तक अपनी खाल की जूतियां बनाकर पहनाओ तो भी माँ के ऋणों से कोई बेटा मुक्त नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या हो गई मेरे देश की हालात, क्या हो गई सभ्यता, क्या हो गई संस्कृति, ये सब ढोंग है तुम्हारा पूजा पाठ मंदिर। यदि तुमने अपने घर में गर्भपात किया है, ध्यान
इन डॉक्टरों से कहूंगा कि खून की कमाई से डनलप का गद्दा तो मिलेगा लेकिन तुमको नींद नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, रात करवट बदलते जाएगी। खून की कमाई से अनाज का ढेर तो लगा लोगे, भूख को तरसते रहोगे। खून की कमाई से पानी तो मिलेगा लेकिन प्यास नहीं मिलेगी। और खून की कमाई से औलाद तो मिलेगी लेकिन बुढ़ापे में वो भी तुम्हें धक्के मार कर किसी वृद्धाश्रम में भेज देगी। ध्यान रखिए, मेरे देश में कहा गया है खून पसीने की खाना लेकिन खून की कमाई खाना, ये मेरा देश नहीं कहा करता है। ध्यान रखिए, जो लोग गर्भपात कराते हैं उनके घर में जिंदगी भर का सूतक लगना चाहिए। गर्भपात कराने वाली को संतों को आहार देने का कोई हक नहीं हुआ करता है। गर्भपात करने वालों को इंद्रिंद्राणी बनने का हक नहीं होता है। भगवान का पूजन अभिषेक करने का भी इनको हक नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा पाप है। आप सबने सुना, आप सबने सुना। अनुग्रहित हूं। जय महा।